हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्सनीतास किचन। आप सब लोग कैसे, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं मैंगो खीर। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, ये दो पीस आम है, इसे अच्छी तरह से धोकर छिलकर काटकर और इसका पेस्ट बना लिया है, और उसी आम में से थोड़ा सा काट कर अलग रख लिया है। हम 6 टेबल स्पून चीनी ले लिए है, आप अपना स्वाद अनुसार चीनी ले लें। 1/3 कप चावल ले लेंगे, ये गोविंदभोग चावल है, इसका खीर बहुत अच्छा बनता है और खाने में भी स्वाद आता है। इसे अच्छी तरह से धोकर और आधा घंटा पानी में भिगो कर ले लिया है। 4 पीस इलायची, इसे छीलकर इलायची का बॉर्डर बना लेंगे, और थोड़े से आलमंड बादाम और काजू को काट लिया है, और 1/2 लीटर दूध ले लिया है। चावल को इस तरह से हाथ से चून लेंगे ताकि चावल दूध में जल्दी से पक जाएगा और खीर जल्दी बन जाएगी। दूध में उबाल आ गया है, अब यहीं पर चावल डाल देंगे। खीर को चला लेता है, लो टू मीडियम फ्लेम में चलाकर धीरे धीरे पका लेंगे दूध को। देखिए साइड में जो लगा हुआ है दूध, इसे अच्छी तरह से निकालते जाएंगे और चला चला के खीर को पकाते जाएंगे। देखिए दूध को चलाते जाइएगा, नहीं तो पतीले में नीचे बैठ जाने से इसका स्वाद खाने में ख़राब लगेगा। अब यहीं पर हम इलायची पाउडर को कूट के डाल देंगे, चला चला के धीरे धीरे पका लेंगे। देखिए खीर हमारा बन गया है और दूध और चावल पूरी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब यहीं पर हम चीनी डाल देंगे, आप चीनी अपना आवश्यकता अनुसार डालिएगा, आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो और चीनी दे लीजिएगा। अब अच्छी तरह से मिलाएंगे, थोड़ी देर और पका लेंगे चीनी डाल के, साइड का इस तरह निकालते जाएंगे। देखिए खीर हमारा बन के रेडी हो गया है, अब इसे नीचे उतार के ठंडा कर लेते हैं। देखिए खीर को थोड़ा ठंडा कर लिए हैं, अब यहीं पर हम आम का पेस्ट को डाल देंगे। और मिला लेंगे, देखिए मैंगो खीर बन के तैयार हो गया है। कितना सुंदर कलर आया है, देखिए इसको, ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है इतना खाने में भी अच्छा लगेगा। आइए अब इसे सर्व कर लेते हैं, आप कभी भी किसी भी टाइम इसे बना सकते हैं, बच्चे बहुत चाव से इसे खाएंगे और बार बार बनाने की जिद करेंगे। आप ज़रूर से एक बार दोस्तों इसे बनाइएगा घर में और सभी को खिलाइएगा। ऊपर से ये कटा हुआ आम डाल देंगे, और ऊपर से ड्राई फ्रूट को छीट देंगे। अगर आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं तो खीर बनाते समय दीजिएगा, तब ये जल्दी से पक जाएगा। देखिए कितना रबड़ीदार मैंगो खीर बन गया है, आप ज़रूर इसे एक बार घर पर बनाएं, खाएं और मेहमान को भी खिलाएं, सभी खाकर वाह वाह करेंगे। आप भी खाएं और हमें कमेंट पर बताएं आपको ये रेसिपी कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और इस तरह नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।